हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू आफ्टर सम टाइम। बहुत खुशी महसूस हो रही कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर से जुड़ गए हैं। तो चलिए आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, बेसिकली बता दें, रिदम टूट चुका होगा आप लोगों का पढ़ने का, जो रिदम होता है वो हो सकता है टूट गया हो, लेकिन एक बार फिर से बनाएंगे हम लोग रिदम फिर से। तो चलिए हम लोग आज क्लास ट्वेल्थ के जो क्वेश्चन किए थे पिछली बार, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, हमने ये पढ़ाया था कि जो अफिलो ट्रेवल चैप्टर जो चल रहा था, अफिलो ट्रेवलर, उसके क्वेश्चन एंड आंसर हो गए थे। तो उसमें कुछ चीज़ें भी बाकी थी, वोकैब वाला चैप्टर, वोकैब वाला पार्ट जो बाकी था उसमें, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं वो जाके पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, देख लेंगे, उसे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए उसमें से वोकैब का जो चार नंबर का आता है वो हमारा जो है अभी पूरा नहीं हुआ था, तो उसको चैप्टर टू का अफिलो ट्रेवलर, जिसको किसने लिखा, ए जी गार्डिनर ने, तो उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी पिछले कुछ दिन हम लोगों का क्या चला भैया, टेस्ट चला। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने टेस्ट दिया और बड़ा ही अच्छा महसूस किया मैंने कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। यू आर टू डेडिकेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि विच विल बी हेल्ड इन 2020 इन द 5 और मार्च मंथ। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की और अच्छा लगा, और उन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर्स जो दिए, क्वेश्चंस के जो आंसर दिए, हमें लगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। यू आर टू डेडिकेटेड टू योर स्टडी, अपने स्टडी के प्रति बहुत ज़्यादा क्या है, समर्पित हैं। तो मुझे अच्छा लगा देखकर। तो ऐसा लगता है कि इस बार 90 पार है ना। चलिए हमारे साथ रहेंगे तो 90 पार कोई रोक नहीं सकता, है ना। किसी के माई बाप में दम नहीं कि आपको रोक ले, अगर जो मैं कहता हूँ वो कर लीजिए बस। चलिए देखते हैं क्लास ट्वेल्थ में क्या चल रहा था भैया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोग ए जी गार्डनर साहब जो थे उनके बारे में हम लोग देख रहे थे। उनका जो चैप्टर था, क्या कौन सा चैप्टर था, अफिलो ट्रेवलर है ना, यही तो चैप्टर था भैया, ट्रेवलर, अफिलो ट्रेवलर। तो इसी चैप्टर में हम लोग वकैब वाला जो चार नंबर का था उसको हम लोग अभी छूट गया है वो, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, जरा सा बता देता हूँ। तो एजी गार्डनर में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, जो चैप्टर नंबर सेकेंड चल रहा है। समझ रहे हो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, समझ रहे हो ना क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये पढ़ाने जा रहे हैं कि आपने क्वेश्चन एंड आंसर कर लिए ना सेकंड चैप्टर के, लेकिन इंग्लिश प्रोज में यही नहीं पता कौन सा पढ़ा है, यही नहीं पता होगा तो कैसे समझ में आएगा ना। तो उसको समझ लीजिए, क्या समझा रहे हैं कि हम लोगों ने इंग्लिश प्रोज में सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उसका जो वोकैब वाला चैप्टर होता है फिलिंग, जिसे हम लोग नॉर्मली फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, तो वो बचा हुआ उसको हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको डालेंगे जो चार नंबर का आता है, कितने नंबर का आता है, चार मार्क्स का आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चार नंबर का आता है, चार मार्क्स का आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का आता है, चार नंबर का आता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ऑप्शन होंगे तो करना आसान होगा। जैसे चार ऑप्शन रहते हैं ना बोर्ड में, ये भरना, तो कुछ लोग तो अंदाजुए ठोक देते हैं, अंदाजुए मार देंगे, क्या मार देंगे, अंदाजुआ लगाएंगे अंदाजा, खट दे फिट, जय माँ शेरावाली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय बजरंगबली, ए ऑप्शन बाई, बी ऑप्शन वर्ड, मतलब सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कुछ लोग को नहीं आता होगा तो आँख मूंदेंगे, कहेंगे जिसको भी मानते होंगे, जय बजरंगबली, डी नंबर, जय माता की, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ऐसे लगा आप सब, कहीं ना कहीं वह माइनस मार्किंग तो होती नहीं, सही हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको याद रखना है, एक दो बार अगर आप देखेंगे तो वहां पर याद आ जाएगा। ठीक है, और चार नंबर का आता है तो ध्यान से देखिएगा, ये फ्री फंड के नंबर होते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, फ्री फंड, यानी कि आपको फ्री के नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला हम लोग देखते हैं, पहला लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हटा देते हैं। अब पहला जो है वो फिल इन द ब्लैंक है, क्या है वो, आई डोंट नो, लिखा हुआ है पहला जो है
लिखिएगा आई डोंट नो, मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो आई डू नॉट कहो या फिर डोंट नो कहो, कोई बात नहीं. आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो विच ऑफर्स विच. इसकी हिंदी बता दे क्या आपको हिंदी जानने में कोई तकलीफ, मतलब अगर आपको कोई तकलीफ कोई दर्द कोई महसूस होता हो, आपको कोई उल्टी आना खांसी आना जुकाम आना बुखार आना, अगर इस पे खट्टा खाने मन करना, तो इसे दीजिए. कोई भी चीज़ होती है अगर आपको हिंदी आने में प्रॉब्लम होती है तो बता दीजिएगा नीचे कमेंट में कि सर हिंदी भी बता दी करो, तो हिंदी भी इस पे बता देंगे कि मैं नहीं जानता बीच बीच मतलब कौन यहाँ पे बीच में आया है. ऐसे तो इसका मतलब होता है कैसे पिच मतलब कैसे, लेकिन यहाँ पे जो बीच में आया है जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं जो आपको नहीं पता होगा भी और जानने की जरूरत भी है. ठीक, तो विच एक प्रोनाउन है जो बीच में आता है जिसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. तो विच ऑफ अस क्या दिया होगा? विच ऑफ अस, अगर आप मेरे से इंग्लिश पढ़ते समझ लीजिए कि आप इंग्लिश की रूबरू तक पहुंच जाएंगे कि कहां तक है इंग्लिश, है ना. विच ऑफ अस गेट गॉट इन टू, गॉट मतलब होता है अंदर जाना. ठीक है, गॉट इन टू द आपके पास पहला ये एक नंबर है तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है. ए नंबर क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है या नहीं बस. दूसरा बी ऑप्शन ट्रेन प्लेन, प्लेन है प्लेन, प्लेन मतलब समझते हैं ना हवाई जहाज प्लेन. तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रेन, ट्रेन. अब देखिएगा चौथा ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन कैरिज, कैरिज. कौन सा है? कैरिज. कौन सा है? कैरिज. ठीक, कैरिज फिर सही कर लीजिएगा सी ए डबल आर आई ए जी कैरिज. ठीक, तो चलिए आपके पास चार ऑप्शन है. कौन कौन से? बस प्लेन एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, जरा मैं देख लेता हूँ. हाँ जी बिल्कुल आपको दिख रहा है. चलिए जब आपको दिख रहा है तो ध्यान से पढ़िएगा. मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर नंबर सेकंड के फिलो ट्रेवलर ए जी गार्डनर के जो कुछ बचे हुए थे जो चार नंबर का आता है हम लोग देख रहे हैं. लिखा हुआ आई डू नॉट नो विच, और इसमें कहानी भूल तो नहीं गए जो मैंने समरी ऑफ द लेसन ऑफ सेकंड चैप्टर जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो कहीं भूल तो नहीं गए. उसका ये था कि ए जी गार्डनर क्या कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे किससे, एक ट्रेन से जो कि बहुत धीरे चलती थी, एट लग्जरी ट्रेन थी, बहुत ही स्लो पेस से चलती थी, बहुत धीरे चलती थी. उसके बाद उन्होंने जर्नी अपनी यात्रा स्टार्ट की, धीरे धीरे चलते हैं. उसके बाद उनको फिलो ट्रेवलर यानी कि मॉस्किटो मिलता है, उसको मारने की कोशिश करते हैं पर मार नहीं पाते हैं. कनिंग फेलाइन मतलब कि बिल्ली की तरह जो तरकीबें लगाई जाती है उस तरीके से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मार पाते. आखिरी में क्या होता है वो उसको मृत्युदंड देने का फैसला करते हैं एज अ जज, है ना, तो लेकिन नहीं मार पाते हैं. उसके बाद उन्हें लगता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें बता रखा हुआ है पिछले वीडियो में, तो बार बार बताने डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, और हम इतने फालतू भी नहीं कि आपको वही चीज़ बार बार बताएं जो पिछले वीडियो में बता दिया, है ना. तो आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द, किसमें किससे ट्रेवल कर रहे थे. तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो कुछ बच्चे कम से कम इसमें 90% लोग, 90% लोग क्या लगा देंगे आप सर, ट्रेन लगा देंगे, क्योंकि ए जी गार्डनर किससे ट्रेवल कर रहे थे, किससे ट्रेवल कर रहे थे, ट्रेन से कर रहे थे. तो मैं नहीं जानता कि विच ऑफ अस यानी कि उनमें से, यानी कि विच ऑफ अस उनमें से कौन सबसे पहले कहाँ पहुँच गया, ट्रेन में. ना 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 ट्रेन में नहीं भैया, कहाँ डिब्बे में, यानी कैरिज, कैरिज यानी कि डिब्बे में. कोई ट्रेन में जाता है क्या? ट्रेन के डिब्बे में जाता है. कहाँ जाता है? कोई भी अगर इंटर करता है तो ट्रेन में करता है या ट्रेन के डिब्बे में करता है, अंतर है दोनों में. ट्रेन में करना, ट्रेन में करना, ट्रेन के डिब्बे में करना, दोनों में अंतर है, बात समझ में. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? कैरिज. हमें लगता है शायद आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भी आप ट्रेन ऑप्शन नहीं लगाएंगे. बाकी प्लेन तो कहीं आ ही नहीं सकता और बस तो आ ही नहीं सकता, है ना. तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखे कैसे ऑप्शन को हटाया जाता है. ठीक, ऑप्शन एलिमिनेशन
ट्रिक कहते हैं इसे। तो ब्लस तो हो नहीं सकता, प्लेन तो हो नहीं सकता, बचे तुम्हारे पास दो ऑप्शन। दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको फंसा देंगे और दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो हवा मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इनको हवा मुड़ा दिया, इनसे कोई मतलब नहीं। बचा ट्रेन और पेरिस। ट्रेन का मतलब ट्रेन जानते हैं, और पेरिस का मतलब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जिसे हम कंपार्टमेंट बोलते हैं, जिसे हम डिब्बा बोलते हैं, है ना, कोच बोलते हैं। इसके सिनोनिम में आप कंपार्टमेंट लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, कोच, कोच लिख सकते हैं। तो कैरिज मतलब देखिए, पढ़ रहे हैं आप क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स, पर समझ क्या रहे हैं, सिनोनिम भी समझ रहे हैं, मीनिंग भी समझ रहे हैं, तो कितनी सारी चीज़ें एक बार में मिल जाती है। यही यही फायदा होता है एक अच्छे टीचर के साथ जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको जरा मैं हटा देता हूँ एक बार फिर से। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा भैया, कैरिज आएगा। ठीक, मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे लगभग, तो वो हम लोग सब देख लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एजी गार्डिनर वन एवनिंग .. यहाँ पे भरना है आपको। आप पैसेंजर ट्रेन। या स्पेल में कुछ दिक्कत है क्या आपको, मतलब कि कहीं ऐसा लगता हो कि सर की राइटिंग नहीं बनती है? तो देखिए, आपको इतना तो आपको कंप्रोमाइज करना ही होगा, इससे ज़्यादा अच्छा मैं लिख नहीं सकता। ठीक है, और तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्लिंग, या इसे क्लाइंब बोलते हैं, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है ना। बी ऑप्शन है आपके पास अलाइटेड मतलब आप जानते ही होंगे, मैंने बता रखा हुआ है जब सिनोनिम और एंटोनिम बता रहे थे वहाँ पर, जब वोकैबुलरी पढ़ा रहे थे सेकंड चैप्टर की, अलाइटेड मतलब होता है गॉड डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे उतरना। चलिए तीसरा नंबर है बोर्डेड है ना, तो क्या बोलते हैं बोर्डेड है ना, क्या बोलते हैं बोर्डेड मतलब जानते हैं क्या होता है? अभी आप बोर्डेड मीन्स नहीं जानते होंगे। और चौथा ऑप्शन आपके पास, चौथा है आपका मिस्ड मतलब तो बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, है ना, मिस्ड मतलब तो बहुत अच्छे से जानते होंगे सर। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एजी गार्डनर एक शाम अ पैसेंजर ट्रेन क्या कर रहे थे, पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ रहे, वो छूट गया क्या इसमें, नहीं कुछ नहीं होगा। एजी गार्डनर वन एवनिंग अ पैसेंजर ट्रेन डॉट अ पैसेंजर ट्रेन। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको पता करना है कौन सा सही है, 1, 2, 3 और 1 है 4। चलिए मिस तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो क्या आई मिस यू कहते हैं कि नहीं कहते, कभी कहते होंगे, उनको पता है। यहाँ पे लिखा हुआ मिस्ड, तो ये मिस्ड जो है यहाँ आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, तो एजी गार्डनर मिस कर रहे थे, नहीं तो मिस तो नहीं कर रहे थे ना, तो मिस तो नहीं कर रहे थे। चलिए क्योंकि वो अकेले थे तो कहाँ से मिस करेंगे, मिस तो वही करते जो डबल होते, वो तो सिंगल थे। चलिए डबल मतलब कब, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ बोर्डेड, तो बोर्डेड पे बात पे आते हैं, सबसे पहले बात करते क्लाइंब। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, और इसका भी मतलब बोर्डेड का मतलब भी क्या होता है, चढ़ना होता है। अलाइटेड का मतलब होता है उतरना, तो वो तो पैसेंजर ट्रेन शाम क्या थे, चढ़े थे। तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक क्लाइंब होगा एक बोर्डेड होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब होता है गार्डन यानी उतरना। चलिए उतरना तो होगा नहीं, यहाँ पे आएगा क्या, चढ़ना। एजी गार्डनर पैसेंजर ट्रेन पर क्या चढ़े एक शाम को, तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइंब तो होना नहीं, कैसे नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप जाते होंगे ट्रेन में जाते होंगे, तो फिर जब आप स्टेशन पे होते हैं, कहाँ होते हैं, स्टेशन पे क्या होता है, कहेंगे जाओ बोर्ड पे देखो, मेरा वो लिस्ट लगी होगी बोर्ड पर जो लिस्ट लगती है उसे हम बोलते हैं, जैसे आप किसी प्लेन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बोर्डिंग पास होता है। वही चीज़ है, हम जब भी आप ट्रेन या प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ क्लाइंब नहीं करते हैं। जब आप किसी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो उसे हम क्लाइंब कहते हैं, जब आप किसी प्लेन या ट्रेन पे चढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड
बोर्डेड है ना, बोर्ड क्या बोलते हैं, बोर्ड, ये इसका थर्ड फॉर्म है बोर्डेड। तो ये क्या हो जाएगा, बोर्डेड हो जाएगा। बात सुन, ये नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। बात सुन, यही कैसे सही होगा ये कोई नहीं बताएगा, आप ट्वेल्थ क्लास में, ये कोई गारंटी देकर मैं बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा कि क्यों हुआ, ये आपको सीधा सीधा लिखा देगा एज ए गार्डनर वन एवनिंग बोर्डेड अ पैसेंजर ट्रेन। लिखो, कोई पूछेगा तो कहेंगे रटना है तुमको, सिर्फ रटना है तुमको, नंबर लाने की समझना है, ऐसे टीचर बोलते हैं, हमने भी पढ़ा है कई टीचर से, तो डायरेक्ट बोलते हैं तुमको पढ़ना है या तुमको परसेंटेज लाना है या तुमको समझना है, जो तुम्हारी इच्छा वो करो, हम तो नहीं बताने वाले, ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं टीचर। तो इस आप खुशनसीब हैं कि मुझ जैसे टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैं भी खुशनसीब हूँ कि आप जैसे डेडिकेटेड जो स्टूडेंट हैं जो लगातार पढ़ते हैं, उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ कि यार देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं जो कि कितना मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो क्लाइंब नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, बोर्डेड होगा। बस में चलिए अगला देखते हैं, ये जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है हमारा, है ना, आप तो देख रहे होंगे इस बात को, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है, क्योंकि हम ही अलग हैं, हमारे सर्कल का तो कोई दूसरा है ही नहीं, है ना, इस वजह से हम ही अलग हैं। चलिए तीसरा नंबर है, There is a pleasant sense of freedom. There is a pleasant sense of freedom. Freedom. .. Being alone. Alone मतलब सबको पता होगा, loneliness, ठीक है। चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, ये तीसरा नंबर भैया। There is a pleasant sense of, pleasant मतलब मैंने बताया agreeable, है ना, वोकैबुलरी में मैंने पढ़ा रखा हुआ, प्लीजेंट का मतलब होता है एग्रीएबल, सेंस का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और देर का मतलब बहुत अच्छे जानते हैं, इज का मतलब जानते हैं, फ्रीडम का मतलब भी आप जानते हैं, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है ऑफ, ऑफ और बी ऑप्शन इज ओवर, ओवर, ठीक, ऐसे लिख देता हूँ ओवर, ओवर और एट सी, एट और आपके पास, अरे ये कौन सा लिख दिया भाई, ओवर के बाद ऑफ, फॉर, फॉर और ये है अबाउट। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि आपको दो ऑप्शन देखते ही आपको मजा नहीं आएगा, दो ऑप्शन देखते ही आप क्या करेंगे उसको हटा देंगे, बाकी दो ऑप्शन क्या होंगे आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करेंगे, फंसा देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ देर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ, ऐसे बोलिए ना, प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ बीइंग अलोन, तो आप कहेंगे सर फ्रीडम ऑफ बीइंग अलोन, ये क्या मतलब, फ्रीडम का अलोन का आपका मतलब आप जानते होंगे का होता है, क्या होता है, का होता है, ठीक है, आपका मतलब क्या, जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, क्या लिखूँ मैं, द फादर ऑफ, The father of Ram. मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर, आप एक प्रीपोजिशन होता है, ये सब प्रीपोजिशन है, इस आप का मतलब क्या होता है, का, यानी राम के पिता, राम के पिता, इसका मतलब होता है का की के, इसका पूरा मतलब होता है आपका का की के, आप किसी भी यूज कर सकते हैं, द फादर ऑफ राम यानी राम के पिता, अब राम का पिता थोड़ी बोलेंगे, राम का पिता थोड़ी बोलेंगे, कुछ तमीज उमीज है ना, तो वही राम के पिताजी है ना, तो द फादर ऑफ राम, तो आपको मतलब समझ में आया क्या होता है, मुझे बिल्कुल समझ में आना होगा आपको, तो आपका मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया कि द फादर ऑफ राम यानी ये तो नहीं हो सकता। चलिए और का मतलब होता है पर, देर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम पर बींग अलोन, ये थोड़ा सा आपको सही लगा, फ्रीडम ओवर बींग अलोन यानी फ्रीडम पर यानी स्वतंत्रता पर, स्वतंत्रता पर एलोन, ये क्या मतलब हुआ, ये भी तो आपको तुरंत क्या कर दिया आपने, कट कर दिया, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपने तुरंत कट कर दिया। तीसरा ऑप्शन क्या है, फॉर,
फॉर मतलब के लिए, चलिए देर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ, यहाँ पे बहुत अच्छा सेंस लगता है आपको जब आप किसी एलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, फॉर यानी अकेले रहने के लिए प्लीजेंट होता है, तो आप कहेंगे सर फॉर का मतलब के लिए होता है, ये भी नहीं सही है। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, यानी अकेले होने के बारे में आपको क्या होता है प्लीजेंट सेंस मिलता है बीइंग एलोन। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, अबाउट सही होगा, है ना भैया, समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा ना अच्छे से। ये तो तीसरा नंबर था, अभी हमारे पास 17 और क्वेश्चन है जो आपको कराने हैं, जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये कितने ऑप्शन में पूछा गया, कहो तो ये भी लिख दिया करें, जिससे आपको ये लगे कि सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं सर, सर मुझे सर तो एकदम बोर्ड वाले क्वेश्चन कराते हैं, सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो ये सब एडवर्टीजमेंट के लिए की जाती है, प्रचार के लिए की जाती है कि यहाँ पर मैं लिख दूँ ये क्वेश्चन लिखा फ्रीडम आप मतलब एलोन एलोन जो भी अभी लिखा हुआ तो इसमें लिख दूँ 2017, इसमें लिख दूँ 2018 और 2019, और ये भी लिख दूँ साथ में 2020 में भी आएगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रचार करने वाली बातें होती है, जो प्रचार नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है पढ़ाई करना है ना। जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आप पढ़ते रहिए, पर ये जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई 2018 में पूछा गया तो ज़रूरी 2020 में पूछा जाए, ऐसे लोगों को जो लोग ये सब करते हैं कि 2018 में पूछा गया 2020 में पूछा जाएगा, तो जो लोग जाएगा ये फिर वो चले ही जाते हैं, उनका परसेंटेज भी चला जाता है ना। तो जो लोग ये करके पढ़ाई करते हैं कि ठीक है नहीं आया तो क्या हुआ, हम पढ़ेंगे, हमारे आगे नॉलेज के लिए भी फायदेमंद होगा, और मान लीजिए आ गया तो बैठे रहोगे 2018-2020 करते रहो, 18 में आया था सर 20 में नहीं आया, मैंने याद किया था सर, हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ याद की सर, लेकिन क्या हुआ सर कि हम आया ही नहीं, मेरी किस्मत ख़राब थी, तो ऐसे ही रोग है सर मेरी किस्मत ख़राब थी मैं नहीं आया सर क्या करें, तो ऐसे रोते हैं वो लोग जो ये सोचते कह रहे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ इसको कर ले, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, हर एक चीज़ को पढ़ते हैं अच्छे से ध्यान से, वो होती है एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान, जो अच्छे से पढ़ते हैं ये नहीं सोचते कि ये आया या नहीं आया, ये दिस इज़ नॉट मैटर विच ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वॉट यू आर लर्निंग इन योर लेसन, क्या आप क्या पढ़ रहे हैं, आप अपने लेसन में क्या सीख पा रहे हैं, तो उससे हम बोलते हैं कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं देखने की जरूरत होगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, तो अपने आप आपके नंबर बढ़ जाएंगे, बात समझ में आई, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं छोड़ूंगा और जो आप छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं करनी। चौथा नंबर, चलिए तीन नंबर हो गया ना, नहीं हाँ तीन नंबर हो गया, चौथा नंबर, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है यू कैन ओपन द विंडो, यू कैन ओपन द विंडो, बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन, और ओपन द विंडो बेहद ही आसान क्वेश्चन, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखा है, विंडो का सट और सट डिसअप्रूवल, हालांकि मैंने बताया, हाँ हाँ मुझे याद है प्रोटेस्ट का मतलब, मैंने बताया हुआ है वर्क एप्स में, क्या बताया है कि प्रोटेस्ट का मतलब होता है डिसअप्रूव करना, ठीक है, यानी कि असहमति। चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या भरना है वो आपको देखना है, जरा चार ऑप्शन है आपके पास, पहला प्रोवोकिंग, दूसरा प्रोवोकिंग कॉलिंग, तीसरा है कौन सा सर, तीसरा है आपका पिकिंग, TICKING पिकिंग, सर तीसरा है आपका पिकिंग, है ना, और चौथा है आपका पिकिंग, चौथा है आपका सर कहाँ गया, गेटिंग क्या है, गेटिंग। चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास, यू कैन ओपन द विंडो और सर, यानी आप खोल कहाँ की विंडो, यानी कैरिज यानी कंपार्टमेंट, यानी कि डिब्बे की आपके जो विंडो होती है साइड की, उनको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं अगर आप अकेले हैं वहाँ पर, और सट इट विदाउट एनी, यहाँ पे एनी होना चाहिए था यार, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, विदाउट
आ प्रोटेस्ट, यानी किसी बिना किसी चेक के या बिना किसी रोकथाम के आप कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वही चीज है। यहाँ पे कॉलिंग, कॉलिंग तो बिल्कुल नहीं होगा सर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, विदाउट एनी, मतलब यहाँ पे एक ऐसी चीज आनी चाहिए यानी बिना किसी रुकावट के। क्या आना चाहिए यहाँ पर, बिना किसी रुकावट के। पिकिंग, पिकिंग का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये भी नहीं होगा। और गेटिंग, ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या होगा, प्रोवोकिंग। क्या होगा, प्रोवोकिंग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए और जान, इन सबका मतलब जानते हैं ना। प्रोवोकिंग मतलब होता है भड़काना या उकसाना, कोई भी उकसा नहीं सकता आपको बिना किसी उकसाए के, प्रोटेस्ट के। वाले मतलब बुलाना होता है। पिक करते हैं आप किसी को, किसी को आप जाते हैं तो पिक करने जाते हैं ना, क्या करते हैं पिक करते हैं ना किसी, अरे आप किसी इंसान को जाते हैं कहते हैं मैं वहाँ पिक कर लूँगा, यानी आपको पकड़ लूँगा ना, यानी कि कैच कर लूँगा, ठीक है। गेटिंग, गेटिंग मतलब होता है पाना, यानी गेट, गेट मतलब आप बहुत अच्छे जानते हैं, गेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है क्या, पाना। पाँचवा नंबर है पास, आई बहुत ही आसान, बेहद ही आसान। आई फ्लिक्ड हिम डॉट, बस माई नोज़। यहाँ पे चार ऑप्शन है, ये पांचवा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास हैं, ऑफ OFF ऑफ, और एक है ऑफ, एक है आपके पास एट, एक है आपके पास थ्रो, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है, अरे है ना, और इसका मतलब आपको वही बताया, एट मतलब होता है, सॉरी इसका मतलब क्या होता है, का एट मतलब पर, और थ्रो मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा, तो यहाँ का तो हो नहीं सकता, यानी आई फ्लिप्ड हिम ऑफ, मैंने उसे क्या किया, हल्का सा प्रहार किया। तो ये एक फ्रेज होती है फ्लिप के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, बात समझे। और इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पांचवा नंबर था, अभी तो 15 और देखने हैं, समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा अच्छे से, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली मैं क्या कर दूँ कि 15 सेंटेंसेस लिख दूँ जिसमें लिखूँ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फटाफट, इसमें ये आएगा बच्चा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, चलो घर में रटो। अरे यही करना है तो किताब बच्चे नहीं पढ़ सकते क्या, उसमें नहीं लिखा हुआ क्या किताब में, वो आंसर ढूंढने की देर है बस। तो ऐसा नहीं करते ना हम लोग, क्या करते हैं समझ के पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यानी जल्दी याद होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को समझ कर पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद होता है, और वो देर तक आपकी मेमोरी में फीड रहता है, आपकी मेमोरी में फीड रहता है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप किसी चीज़ को रटते हैं तो उसको बार बार भूल जाते हैं ना, तो ये आपको क्या करना है, समझ के पढ़ना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रहे, ठीक है। हालांकि रिविजन तो करना ही होगा। चलिए दूसरा है, एक बार फिर वही लिखा हुआ है, रिपीट है, क्योंकि ये कितनी बार पूछा गया सर, मैं आपको दिखा दूं अगर वही एडवर्टीजमेंट वाली बात हो तो। देखो लिखा हुआ है 14, 15, 18, 19, जितनी बार पूछा गया है सर, 14, 15, 18, 19, यानी चार बार पूछा गया है, ये लिखा हुआ है। आई फ्लिक्ड, आप अभी मॉडल पेपर उठाइएगा क्या, यानी अनसॉल्व्ड पेपर, सॉरी मॉडल पेपर नहीं, अनसॉल्व्ड पेपर उठाइएगा, और उसमें आपको अगर चार टाइम ना दिखे तो और भी इससे ज़्यादा भी टाइम हो सकता है ये आया हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आई फ्लिक्ड हिम, फिर से वही क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है, आई फ्लिक्ड हिम अगेन। यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन की जरूरत है नहीं, आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा, फ्लिप्ड के बाद क्या आता है, OFF ऑफ, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, सीधा रट्टा मान लीजिए, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ होता है, चार बार क्वेश्चन आपका ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्टिस डिमांड्स इट, जस्टिस डिमांड्स इट, डिमांड्स इट, जस्टिस डिमांड्स इट, एंड द कोर्ट इट। ये आपको एक पैराग्राफ में दिखेगा, लिखा होगा जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, यानी कि जस्टिस मांगते हैं लोग और कोर्ट क्या देता है हमको,
क्या देता है, फैसला देता है, और क्या देगा भाई, है ना। अवार्ड का मतलब होता है फैसला देना। यहाँ पे चार ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ, डिक्लेयर्स, डिक्लेयर्स है ना, और डिसाइड्स, डिसाइड्स, इन सब की आपको मीनिंग पता होना चाहिए था। डिसाइड्स, अवार्ड्स, अवार्ड जो मैंने लिख दिया, अवार्ड्स, और डायरेक्ट्स, अरे यार यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख दूँ क्या, डायरेक्ट्स, ठीक। आपको ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार ऑप्शन थे आपके पास, इसमें क्या आएगा, अवार्ड्स आएगा। क्यों आएगा, इस अवार्ड्स का मतलब होता है, इस अवार्ड का मतलब होता है फैसला सुनाना, ठीक है। इस डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है, आपने कहा सर किसी ने, अब आपको बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, कैसे याद रखेंगे डिक्लेयर को। आप कभी क्रिकेट मैच खेलते हैं, खेलते होंगे ना, बहुत अच्छे, हमको पता है कि सभी बच्चे क्रिकेट मैच जरूर खेलते होंगे, हालांकि खासकर लड़के तो बहुत ही ज़्यादा चस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा नशेड़ी होते हैं, मैच के लिए कहीं भी सुन लिया नाम तो तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है, कूदते कूदते फलनते, ठीक है। तो उसमें आप देखते होंगे कोई भी बल्लेबाज, कोई भी बैट्समैन जब नहीं खेल पाता है तो हम लोग कहते हैं क्या कर दो उसको, डिक्लेयर कर दो, क्या करते हैं, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो, हालांकि गाँव में कहा जाता है डिक्लेयर कर दो, उसी से याद, डिक्लेयर का मतलब नहीं होता है कुछ भी, डिक्लेयर एक गलत शब्द है, उसका मतलब होता है डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना, यानी अपनी पारी को घोषित करना है, क्या कहलाता है, डिक्लेयर, तो वही लिखा हुआ डिक्लेयर, तो क्या कोर्ट डिक्लेयर करता है, घोषित करता है, नहीं, कोर्ट तो क्या देता है, या तो ऑर्डर देता है या तो फैसला सुनाता है, तो अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है फैसला सुनाना, डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है, क्या करता है, निर्णय लेना, तो चल निर्णय लेने के बाद ही तो फैसला सुनाया जाता, तो यहाँ पर क्या आएगा, अवार्ड्स आएगा। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब आप जानते होंगे, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस ना दिशाएं, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देशित, है ना, निर्देशन करना डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका छठा नंबर था, तो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब आगे देखते हैं। अब अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कल नया चैप्टर क्या है, इसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जो किसने लिखा हुआ है भैया, वो लिखा है आपका जेम्स एलियन ने लिखा हुआ है। चलिए आपको देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर है। चलिए, I struck a swift blow with my right hand, blow with my right hand, R-I-G-H-T, right hand, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस बीच में जब आप लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं तो उसको आप कैपिटल लेटर नहीं, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, राइट हैंड, यहाँ पे लिखा हुआ आपका जेंटली, ऑप्शन है आपके पास जेंटली, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बिग, तीसरा है लेथल, जो आप बहुत अच्छे से, मैंने इसको उसमें भी रखा था, किसमें रखा हुआ था, सिनोनिम एंटोनिम में रखा हुआ था, ठीक है, और इसमें भी लिया था, टेस्ट में भी मैंने लेथल को रखा हुआ था, बहुत ही प्यारा वर्ड है लेथल, ठीक है, नॉर्मल, तो आपके पास चार ऑप्शन है, जेंटली, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन आप कहते हैं, तो जेंटली मतलब क्या होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन से रखना है कि जो जेंटलमैन यानी कोमल भाव से, है ना, कोमलता, जैसे यहाँ पे जेंटली मतलब क्या होता है, कोमलता, क्या मतलब होता है, कोमलता होता है, अच्छा, और बिग का मतलब आप बहुत अच्छे जानते हैं, बड़ा होता है, लेथल मतलब आप जानते हैं घातक होता है, और नॉर्मल मतलब साधारण। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने उसको मारा, कैसे मारा, बहुत ही खतरनाक रूप से, कहाँ गया लेथल, बहुत ही घातक प्रहार किया मैंने, क्या किया, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ विद अ लेथल एफर्ट, यानी घातक प्रयास किया, है ना, तो ब्लो विथ माई राइट हैंड से, मेरे नोट पर बैठा, मैंने ऐसे चट से मारा, तो इसे क्या कहेंगे, घातक प्रहार, है ना, उस मॉस्किटो पर। तो ये आपका हो जाएगा आठवां नंबर, इसका आंसर क्या होगा भैया, लेथल होगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई हैंड, विथ माई राइट हैंड, सॉरी बॉस। तो चलिए, ये आपका कुछ आठ अभी और बाकी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। माई पर्सनल, माई
माय पर्सनल ये आपका अराउज्ड का मतलब आप समझते हैं ना, अराउज का मतलब होता है किसी चीज का उत्साहित होना है ना, किसी चीज का उठना अराउज कहलाता है। ठीक है, तो पर्सनल क्या, मेरा पर्सनल क्या उठ गया, क्या उठ गया, वैनिटी, वैनिटी मतलब आप जानते हैं घमंड, वैनिटी। दूसरा ऑप्शन आपके पास वैनिटी, क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी। आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसा मैं लिख रहा हूँ, इस ऑप्शंस को आप लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे, वैनिटी ऐसे लिखेंगे आप लोग, वैनिटी कामा ऐसे लिखा हुआ है, वैनिटी हो गया, क्यूरोसिटी हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपका पेज ज़्यादा खराब होगा, आपको पेज बचाने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा वैनिटी, फिर कामा लिखें क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी है ना, क्या लिखें, क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी क्या लिखें, क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्यूरोसिटी मतलब क्या होता है, इच्छुक, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना, उसे हम बोलते हैं क्यूरोसिटी। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी आप लोग ऐसे लिखेंगे, पता लगे जैसे मैं लिख रहा था समझाने के लिए, आप ऐसे लिखेंगे तो आपके पेजेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे भैया, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे, है ना। हालांकि समझ में बहुत अच्छे से आएगा, लेकिन लेकिन क्या होगा, आपका पेज खराब होता चला जाएगा, जहाँ पे अगर 10 पेजों में अगर कुछ होना होगा, 10 पेजेस में कुछ होना होगा तो क्या होगा, वो 20 पेज लगेंगे। तो इस वजह से पेज को बचाइए, है ना, तो क्या करें, ऐसे कामा करके लिखो। हालांकि मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, आपको ये बात समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझको, आप अपने इतना समझदार हैं कि आप इंटर क्लास में। ठीक है, मॉडेस्टी, अरे मॉडेस्टी, जेनरोसिटी एंड लास्ट वन इज जेनरोसिटी, जेनरोसिटी इसका मतलब आपको बताया है, जनरस मैंने बता दिया, वैनिटी मतलब प्राइड यानी घमंड, क्यूरोसिटी उत्सुकता किसी को देते हैं, और मॉडेस्टी और जेनरोसिटी मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हुआ, 4 ऑप्शन हुए, और माय पर्सनल, मेरा पर्सनल क्या हुआ, तो उसके अंदर क्या आ गया था, घमंड आ गया था, है ना। मॉडेस्टी मतलब मॉडेस्ट जो हो उसे नम्रता कहते हैं। ठीक है, जो कोई नम्र इंसान होता है उसे मॉडेस्टी बोलते हैं। ठीक है, जनरोसिटी उदारता बोलते हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। क्यूरोसिटी एक आप किसी डिजायर की बात कर सकते हैं, किसी चीज़ के जानने की इच्छा, उत्सुकता, इसका उत्सुकता ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, उत्सुकता, है ना, असल में उत्सुकता बोलते हैं। वैनिटी आप बात कर सकते हैं घमंड की, है ना, तो वैनिटी एक प्रकार का दिखावा भी कहा जा सकता है, और ये घमंड, इसके अंदर घमंड होगा उसी के अंदर दिखावा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माय पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, घमंड क्या हो गया मेरा, तो क्या घमंड उत्पन्न हो गया वहां पर, है ना, मेरा घमंड उत्पन्न हो गया। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये 9 हो गए। ही प्लेड मी ओपनली मतलब पूरे तरीके से खुलकर, है ना, और इसमें लिखूं क्या, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फॉर विद इन विथ इन, अलग अलग है, फॉर विथ इन और बाय। तो उसने खेला मैं ओपनली, मुझसे मुझ में ओपनली खेला, तो ये तो हो नहीं सकता, इन इन मतलब मैं होता है, बाय मतलब होता है द्वारा, यानी ही प्लेड बाय मी ओपनली, वो मेरे द्वारा खेला गया, नहीं ये तो उल्टा अनर्थ हो गया, यानी कि तो उल्टा अर्थ दे दिया, यानी उस मच्छर खेल रहा था किसके साथ, आईजी गार्डनर के साथ। यहाँ पर अगर बाई लगाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, ही प्लेड बाई मी ओपनली, वो मेरे द्वारा खेला गया वो, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए। फॉर मतलब ही प्लेड फॉर मी ओपनली, वो मेरे लिए खेला, मेरे लिए मतलब वो ही प्लेड फॉर मतलब मी मतलब फॉर मतलब के लिए, वो मेरे लिए खेला, नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वह मेरे साथ पूरे तरीके से ओपनली खेला, है ना, पूर्ण तरीके से, तो ऐसा होगा ना। तो आपको ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। ठीक है, और समझ के पढ़ेंगे ना तो ये आपको एग्जाम में हल्के लगेंगे, हलवा।
ठीक, आई फेल्ट माई हार्ट, आई फेल्ट माई हार्ट, दिख रहा है या नहीं आप लोगों को, जरा एक बार मैं देख लेता हूँ। टाइम ज्यादा नहीं हो गया, आई फेल्ट माई हार्ट, टाइम ज्यादा हो गया क्या बॉस? आई फेल्ट माई हार्ट, बहुत ले लिया टाइम। वॉमिट, 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 आई फेल्ट माई हार्ट वॉमिंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स। चलिए अब ये कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टुवर्ड्स हिम, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ाएंगे तो हो सकता है आप लोगों को हिचकी आने लगे, उल्टी आने लगे, दस्त आने लगे। अगर हम ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप सह नहीं पाएंगे, हमारे अंदर क्षमता बहुत है पढ़ाने की, कहो कहो लगातार हम तीन तीन चार 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 पाँच पाँच घंटे लगातार पढ़ाएं, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन क्या होता है कि ट्वेल्थ क्लास में या फिर जो एकेडमिक वाले बच्चे होते हैं ये बड़े ही क्या बताएं, बड़े ही शरारती टाइप के होते हैं। 30-40 मिनट के बाद सर पानी पिया है, सर ये कर लें, सर ये कर लें, सर वो कर लें, तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं इनके साथ। 20-30 मिनट अगर किसी क्लास को ले लिया जाए लगातार, तो सर बीच में आ जाते हैं दो तीन बच्चे तुरंत, सर पानी पिया है, सर जाना है, सर सर जाना है, सर जाना है, सर अरे तो क्या करोगे। इन सब की, इन सब की वजह से हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि हमको पता है एकेडमिक वाले बच्चे थोड़ा सा बहाने भी बनाते हैं और थोड़ा नटखट भी होते हैं, उनको पानी तुरंत पीना होता है, भले पानी न पिए वहाँ जाएंगे नल के पास, जहाँ भी स्कूल में अगर नल होता है पानी पीने के बहाने जाएंगे, बढ़िया वहाँ 5-10 मिनट बातें करेंगे, क्योंकि क्लास में अगर टीचर स्ट्रिक्ट होता है तो क्या होता है बात ही नहीं करने को मिलती है, तो जाएंगे उनके गुदगुदी मचती रहती है कि हमें बात करना है, बात करना है, है ना, तो चूँकि उनकी आदत सो रहती है बात करने की, तो उनके अंदर एक गुदगुदी सी मची रहती है कि हमको बात कैसे करें, बात कैसे करें, तो बहाना आता है क्या, किसका? पानी पीने का। जाएंगे वहाँ पानी तो कम पियेंगे, एक लोग नल चलाएंगे पहले, और सर अच्छा पढ़ा रहे थे क्या, या फिर जो भी घर, और ये घर के कहा अच्छा ठीक है, हाँ तो हम वहाँ गए थे मैच खेल रहे थे, ये वो पानी कम पी रहे हैं, पानी ऐसे लगाएं, पानी बहुत कम पी रहे हैं, वो बातें बहुत हो रही हैं, तो ये होता है। पानी पीने जाएंगे कहेंगे याद है, और जो है कम से कम 5-10 मिनट लगा देते हैं पानी पीने में, 10 मिनट लग जाता है, जबकि पानी पीने में 1-2 मिनट लगता है, और कभी पानी पीने अकेले नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अपना सथुआ ले कर जाएंगे, किसी न किसी को ले कर जाएंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इस वजह से हम ज़्यादा देर पढ़ाते रहेंगे। आई फेल्ट माई हार्ट वॉमिंग, वॉमिंग, आई फेल्ट हार्ट वॉमिंग टुवर्ड्स हिम एंड द वॉमिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड द सेंस ऑफ कहाँ कर दिया, सुपरियोरिटी डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के चार ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीजिंग, दूसरा कामा यहाँ पे, कामा इंक्रीजिंग के बाद कमिंग कामा, फेडिंग का मतलब जानते हैं आप, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा हुआ है, मिटने वाला, साइनिंग SHINING साइनिंग, साइनिंग का मतलब बहुत अच्छे जानते हैं किसी चीज़ का चमकना, वो क्या कहलाता है, साइनिंग कहलाता है। आई फेल्ट माई हार्ट वॉर्मिंग, मेरा जो हृदय है वो क्या कर रहा है, वो टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, इस क्या हो रही है, सुपीरियरिटी सेंस ऑफ यानी कि सबसे ज़्यादा बड़े होने की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। कमिंग तो होना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कमिंग, फेडिंग होगा नहीं, लुप्त तो नहीं होगा, अगर लुप्त तो हो जाती तो वो उसको मच्छर को मारने का क्यों सोचते, उसको दंड देने की क्यों सोचते, अगर सुपीरियरिटी अगर फेडिंग यानी लुप्त तो हो जाती तो क्यों सोचते, तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, साइनिंग तो होगा ही नहीं, है ना, ये तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या नाम है उसका, इनकी जिंगा भी कुछ
बचे हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। चलिए, जो लोग अभी तक, मैं एक बात बता दूं, जो लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया यार? तुम अच्छे बच्चों की गंदे बच्चियों पे लगता है यार, सब्सक्राइब करने में तुम्हारा क्या जाता है? तो पैसा कटता हो तो ना करो। अगर तुम्हें बटन दबाने में, लाल वाले बटन दबाने में आपको दिक्कत होती है, मान लो वहाँ बटन दबा दिया, तो क्या तुम्हारा पैसा कट जाएगा अभी जेब से? हैं, एकदम तेरे को काट डालेगा। अगर तू सब्सक्राइब नहीं करे तो मैं तेरे को काट डालेगा, पक्का बता रहा हूँ, है ना? ए वीडियो लोग सब्सक्राइब करने का ना, वीडियो लोग सब्सक्राइब करने का, ठीक है? ये नहीं बोलने का अपन तेरे को काट डालेगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया, यहीं से फेंक के मारेगा मुक्का, यहीं से फेंक के मारेगा अपन तेरे को मुक्का। तो ठीक है, उसको सब्सक्राइब करने का ना, अरे वीडियो लोग सब्सक्राइब करने का ना, क्यों नहीं सब्सक्राइब करता भाई, सब्सक्राइब करना चाहिए। आगे हम लोग, ये सब मजाक था, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है? आई फेल्ट माई हार्ट वॉमिट टुवर्ड्स हिम, एंड यहाँ से हम लोग अलविदा लेते हैं। चलिए, अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।